हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज का वीडियो जो है बेसिकली एक व्लॉग होने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं पूरे 24 आवर्स में क्या खाती हूँ जबकि मैं अपने बेबी को फीड करवाती हूँ तब। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं जो खाती हूँ वो आप लोगों को खाना है। अलग अलग मदर्स का अलग अलग होता है, उनकी बेबी को क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग उनको खाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या खाती हूँ जब मैं अपने बेबी को फीड करवाती हूँ तब, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो सब अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी उठी हूँ। तो ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं जो है एक ग्लास पानी पीती हूँ। तो ये एक ग्लास पानी है, इसको मैं सबसे पहले हल्का गुनगुना कर लेती हूँ। पानी हल्का से गुनगुना होने के बाद ही मैं उसको पीती हूँ। गुनगुना हो गया है और मैंने इसको ग्लास में डाल दिया है। पानी पीने के बाद मैं खाऊंगी ये चन प्राश एक चम्मच। अभी मैंने चम प्राश खा लिया है, अब इसके बाद मैं अपनी थोड़ी बहुत जो भी एक्सरसाइज है वो करूंगी। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं अपनी सिजेरियन के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी अपना एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। एक्सरसाइज करने की जस्ट बाद में मैं अपने ये मिल्क रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लूँ एक कप मिल्क जो कि गर्म किया हुआ है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं जो है मिल्क पी रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें बादाम पाउडर मिक्स किया है। कभी कभी मैं ना दूध में ही बादाम पाउडर डाल के रख देती हूँ, जिससे बादाम क्या थोड़ी गीली हो जाती है तो पीने में और अच्छी लगती है। तो आप लोगों को भी अगर जो गीला करके बादाम खाते हो आप, वो अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या करो ना, एक बॉक्स के अंदर या एक डिब्बे के अंदर बादाम पाउडर बना के रख लो और उसको दूध में मतलब हाफ थोड़े से 2-3 चम्मच बादाम के दूध, आधे ग्लास दूध में भिगो के रख दो और फिर आपको जब दूध पीना हो तब ग्लास में पोर करके आप दूध पी सकते हो, तो अच्छा लगता है। इसे बादाम पूरी भीग जाती है और अगर आप सूखा पाउडर ऊपर से डालना चाहो ऊपर से तो भी डाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ज़रूरी नहीं आप फीडिंग कराओ तभी आप पियो, नॉर्मल डे में या पी सकती है। हाय गाइस, सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है और अब मैं आज अपने ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन साबूदाने की खिचड़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मेरे को खाने का मन करता है मैं मोस्ट ऑफ टाइम इसको जो है अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करती हूँ। और इसके साथ मैंने एग जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो क्या होता है कि कराते हैं तो हमें सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है कि हमारे बेबी को सूट होगा कि नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी ट्राई कर ली है। तो साबूदाने की खिचड़ी जो है मेरे बेबी को बहुत अच्छे से सूट होता है, इसलिए मैं इसे ब्रेकफास्ट में कभी कभी ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी खिचड़ी जो है बनने आई है। दिखने में तो बहुत बढ़िया दिख रही है, देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है अभी से। तो ये बन गई है। मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा लेमन ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा लगता है इसका। तो ये मैंने लेमन ऐड कर दिया है। अभी बज चुके हैं 10:30, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया आप लोगों को पता है ही, मेरी फेवरेट चीज़ है। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना, मुँह में पानी आ रहा होगा ना, मेरे भी आ रहा है। तो मैं अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। एग के ऊपर मैंने थोड़ा काला नमक डाला है, इससे टेस्ट अच्छा लगता है। इसलिए ये वाइट सॉल्ट का रिप्लेसमेंट है, ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है, अब मैं अपनी बेटी को उठाऊंगी यानी कि ताशु को उठाऊंगी, उसे थोड़ा रेडी करूंगी। उसके बाद में मैं बनाऊंगी लंच। लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी और चपाती। तो जब मैं लंच बनाऊंगी और करूंगी तब आपसे मिलती हूँ।
तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, मुझे अपनी बेटी को तैयार करना है, अभी वो उठी नहीं है, उसे उठाना है और तैयार। हाय गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। अभी जो है मैंने चपाती सेक ली है, अब मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पनीर के क्यूब्स जो हैं वो पहले से फ्राई करके रख लिए हैं, अब मैं बनाऊंगी। चुके हैं एक, तो अब मैं अपना लंच लेंगी और लंच में जैसे कि आपको पता है कि मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, तो आपको मेरा लंच दिखा देती हूँ। तो ये है लंच, इसमें मैंने ली है 2 चपाती, थोड़ा सा कैरेट और पनीर की सब्जी, और मैंने ली है थोड़ी सी छाछ। मुझे छाछ पीना बहुत पसंद है खाना खाने के बाद में। आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो है अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो, ये खुद की हेल्थ के लिए और बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो मुझे छाछ लेना बहुत पसंद है, और सैलेड के लिए मैं कभी कैरेट ले लेती हूँ, कभी खीरा ले लेती हूँ, तो जो भी है, पर एक सैलेड मुझे अपने लंच में चाहिए ही होता है। तो अब जल्दी से मैं अपना लंच कर लेती हूँ, बहुत ज़ोरों से मुझे भूख लगी है। सो गाइस, अभी मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है, अब मैं 5 to 10 मिनट थोड़ा वॉक करूँगी, उसके बाद मैं मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग का थोड़ा काम है वो करूँगी। तो तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक, थोड़ी देर बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ कि नेक्स्ट मैं अब क्या खाती हूँ। तो गाइस, अभी बज चुके हैं 2:51, टाइम हो रहा है, और अभी जस्ट मैंने अपना वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया है, तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को देख लेना। और अभी मेरा पपाया जो है वो रेडी है, तो मैं ये खा लेती हूँ और उसके बाद मैं सोने के लिए जाऊंगी, बहुत थक चुकी हूँ मैं। ये मेरा फ्रूट टाइम है अभी, ऑलमोस्ट इसी टाइम पर मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ, चाहे पपाया हो, चाहे पाइनएप्पल हो, चीकू हो, कुछ भी, मतलब 3:50 के आसपास मैं एक फ्रूट लेती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, जब तक ताशु को भी सुला देती हूँ, और वो जब उठती है, जब मैं उठ जाती हूँ और फिर शाम के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। तो मेरा ये वीडियो अपलोड हो चुका है, 10 अमेजिंग ब्यूटी बेनिफिट्स, मेक श्योर आप देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। गुड इवनिंग गाइस, और अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, बहुत लेट हो गई आज मैं, बहुत नींद निकाल ली मैंने। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने चाय चढ़ाई, अभी मैंने चाय चढ़ाई है, दूध डाल दिया है, चाय पत्ती और चीनी मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा सा उबाल आ जाए उसके बाद मैं इसमें अदरक डालूंगी, क्योंकि मुझे अदरक की चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है और मेरे हाथ में है एक रस्क, तो मैं जो है चाय के साथ में शाम में बिस्किट खाती हूँ, पार्ले जी बिस्किट मेरे बहुत फेवरेट है, स्पेशली चाय के साथ में। अभी मैं यहाँ पे रस्क खा रही हूँ, तो मैं ना अभी चाय के साथ में एक रस्क ले रही हूँ। अब बाहर है ना, बारिश का मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, और बारिश के मौसम के साथ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, तो मैं सोच रही हूँ बाहर बैठ के आराम से चाय पीऊँ। तो अब डिनर में बनाने जा रही हूँ मैं चावल और मूंग दाल की खिचड़ी, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन भी होता है, तो ये खिचड़ी आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी खिचड़ी है। देख रहे हो, मैंने 1/2 कटोरी चावल लिया और 1/2 कटोरी मूंग दाल ली है। सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर 3 चम्मच घी लिए हैं, ये मैंने कुकर के अंदर डाल दिए हैं, और उसी के साथ में मैं यहाँ पे थोड़े से ये लौंग और काली मिर्च लिए हैं, वो मैं ऐसे फ्राई करने के लिए इसमें डाल दूँगी, छौंक के फॉर्म में, छौंक लगाने के लिए ये डाल दूँगी मैं। ये मैंने कुकर में चावल और मूंग दाल ऐड कर दिए हैं, अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। हल्दी और सॉल्ट ऐड करने के बाद जितना मैंने राइस और मूंग दाल ली थी उतना ही मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगी,
और इस पर ढक्कन लगाकर थोड़ा सा पानी को बॉयल होने दूंगी। उसके बाद में मैं 3 विसल ले लूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल खिचड़ी है, 5 मिनट में रेडी हो जाती है। जब तक दूध गर्म होता है और खिचड़ी जो है बन चुकी है तो उसका प्रेशर ठंडा होता है, तब तक मैं एक शावर लेके आ जाती हूँ, क्योंकि इधर बहुत तेज गर्मी है। और नहाने के बाद ही मैं अपना डिनर करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस मिलती हूँ डिनर पर। सो गाइस अभी जो है मैंने शावर ले लिया है, अब मैं अपना डिनर करूँगी। डिनर की तैयारी मैंने कर ली है तो आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी मूंग दाल और राइस की खिचड़ी, इस पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और थोड़ा सा घी डाला है। मुझे चीनी और घी के साथ में अच्छी लगती है। साथ में मैंने मूंग दाल के पापड़ सेक लिए हैं, तो मुझे पापड़ के साथ में ये खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। एक्चुअली मुझे व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता, सारे दिन फ़ोन को पकड़ के बनाओ, क्योंकि कैमरा सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है घर के काम के साथ में। तो मैं मोबाइल से ही व्लॉग बना रही हूँ, बट आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि दीदी व्लॉग करा करो, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाने का सोचा। आप लोग भी ना ये खिचड़ी ना एक बार घर पर ट्राई करना, सीरियसली बहुत अच्छी लगती है और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता है। तो आप ये ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्थ के लिए अच्छी भी है ये खिचड़ी। और उसके साथ में मूंग दाल पापड़ भी ट्राई करना। अगर आप लोग ये खिचड़ी बनाओ तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये खिचड़ी कैसी लगी। फाइनली मेरा डिनर फिनिश हो गया है। अब मैं थोड़ा किचन का काम करूँगी, बर्तन साफ़ करना और छोटा मोटा जो भी काम होगा वो करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, अभी के 9 बज रहे हैं और मेरा पाइनएप्पल रेडी है। तो अभी जो है 9 बज रहे हैं और मैं अपना पाइनएप्पल खा रही हूँ। डिनर के बाद भी मैं कोई ना कोई फ्रूट लेती हूँ। आज की वीडियो की सबसे लास्ट चीज जो कि है चीकू शेक, वो मेरा तैयार हो चुका है, तो मैं इसको पीऊँगी। सोते टाइम मैं कोई भी शेक पीकर ज़रूर सोती हूँ। तो अभी मेरा चीकू शेक रेडी हो गया है, मैं इसे पीऊँगी। सो गाइस आज का व्लॉग मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10 o'clock हो चुके हैं और अभी मैं ताशु को सुलाने के लिए जाऊँगी। उसको सुलाते सुलाते 12 बज जाएगी, क्योंकि वो इतना जल्दी नहीं सोती है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर देना, क्योंकि मैंने ये व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करी है। सारे दिन मोबाइल लेके वीडियो फिल्म किया है, तो बहुत मेहनत लगी है। उस मेहनत के लिए आप लाइक बटन प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।